देखो हम लोग कल बेसिक फैक्टराइजेशन के ऊपर में डिस्कस किए थे और कुछ तुमको हम बेसिक फैक्टराइजेशन बताए थे। अभी भी यही बेसिक फैक्टराइजेशन ही है जो एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक्सरसाइज आपका है बुक का 7B, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बेस्ड है किस फॉर्मूला पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले एक्सरसाइज में हम बताए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम लोग यहां से जैसे कि क्वेश्चन जब भी कहीं भी, एक बात तो डिसाइड कर लो कि खुद से बनाना है कि डिस्कस करके बनाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी पर बेस सारा क्वेश्चन रहेगा। आपको देखना है इस तरह से पैटर्न लाना है और जैसे ही वो पैटर्न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आएगा उसे ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी लिखेंगे। तो जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 36, बस इजी वे में देखना 36, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 36 किसका स्क्वायर है? सिक्स का, है ना। 36 आपका है सिक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो हम इसको लिख देंगे एक्स माइनस सिक्स और फिर लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स, बस सिंपल सा। समझ में आया? और देखिए फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर। तो फोर किसका स्क्वायर है? टू का। यहां पर लिखेंगे टू टू एक्स का होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे इसको 3y का होल स्क्वायर। तो फिर क्या लिखेंगे? एक बार दोनों को देखो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2x माइनस 3y और फिर लिखेंगे 2x प्लस 3y, हो गया। वैसे ही अब आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे 16 ए स्क्वायर माइनस 144। पहले देखो कि दोनों में क्या कॉमन है। पहले अगर कॉमन है तो पहले कॉमन को हटा दें, पहले स्क्वायर से पहले। तो दोनों में पहले क्या कॉमन है? 16 के टेबल में 144 भी आता है, तो हम लोग दोनों में पहले कॉमन लेंगे 16। तो यहां बचेगा आपका ए स्क्वायर और 16 मीटर वाले 144 आता है 9 10 9। यहां पर आप लिखिएगा 16 और फिर यहां लिखेंगे ए स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस 3 और ए प्लस 3 और 16 तो जैसे है वैसे लिखेंगे, ए माइनस 3 और ए प्लस 3। हैव यू क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। पहले तुम याद रखना कि दोनों में जो कॉमन रहेगा हमको कॉमन को पहले हटाना है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन को कर लेंगे। माइनस 27। बता दो दोनों में पहले क्या कॉमन है? किसके टेबल में 12 और 27 दोनों आता है? 3 के टेबल में। तो 3, तो यहां पे क्या बचा?
फोर एक्स स्क्वायर और यहां से 9, तो फिर यहां पर लिखेंगे 3 कर्ली ब्रैकेट, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर और 9 3 का, यहां पर लिखेंगे 3, फिर आएगा 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, क्लियर। वैसे ही थ्री एक्स टू द पावर 5 माइनस 40x एक्स टू द पावर 3। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? 3x क्यूब कॉमन है। यहां से क्या बचा? x का स्क्वायर माइनस 16, हो गया ना। यहां पर लिखेंगे 3x क्यूब, ये लिखेंगे x स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3x क्यूब, यहां x माइनस 4 और x प्लस 4, है ना सर। और देखिए जैसे 16 3 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 7, क्या कॉमन है दोनों में? 7। फिर यहां से बचे क्या? 9 a स्क्वायर माइनस 1, तो फिर यहां लिखेंगे 7 और यहां पर लिखेंगे 3 ए बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या? 7 3 ए बी माइनस 1 और फिर 3 ए बी प्लस 1। कुछ गया दिमाग में? अगर आपको गया है तो आप 15 तक बताइए, बनाइए पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का 15 तक बनाइए, फिर जो डाउट होगा फिर बताते हैं, फिर उसके आगे बनाएंगे।